हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फिफ्थ सोशल स्टडीज़। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपनी सभी ओपन बुक ओपन कर लीजिए। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर वन की बुक वर्क फिल किया था। बच्चों, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे और वो आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। होपफुली आपने जो लास्ट क्लास में बुक वर्क कराया था वो भी आपने अपने नोटबुक में कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो वो अपनी नोटबुक में कर लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज क्लास फिफ्थ SST चैप्टर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ग्लोब। हमें ग्लोब के फीचर्स बताने हैं। क्वेश्चन ये है, आंसर है इसका, ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। जो ग्लोब है एक मॉडल है पृथ्वी का, विच गिव्स अस ए फेयरली एक्यूरेट आइडिया अबाउट इट। जो हमें एक अनुमानित आइडिया देता है किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी जानकारी के बारे में। पृथ्वी जो ग्लोब है, पृथ्वी की एक अनुमानित जानकारी देता है जिससे भी रिलेटेड जो भी जानकारी हम लेना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। जो हमारा नक्शा है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम अपने नक्शे पे, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। आंसर है इसका, वी कैन ड्रॉ मैप्स ऑफ कंटिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज एंड नेबरहुड्स। हम लोग नक्शे बना सकते हैं कंटिनेंट्स के, देशों के, स्टेट राज्यों के, सिटीज शहरों के, नेबरहुड्स जो आसपास के राज्य हैं उन सब के। तो ये मैप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज ऑफ मैप। हम नक्शे की भाषा से क्या समझते हैं, क्या होती है नक्शे की भाषा। वी यूज ए वैरायटी ऑफ साइंस, सिंबल्स एंड कलर्स टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन मैप। हम लोग अलग अलग तरह के साइन, निशान, चिन्ह, सिंबल्स और रंग यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए जो मैप पे दी गई है। दिस इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप। इसी को ही हम लैंग्वेज ऑफ मैप यानी कि नक्शे की भाषा बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, नेम मेन डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस। हमें जो हमारी मुख्य चार दिशाएं हैं वो बतानी हैं और जो चार सब डायरेक्शन हैं उनके बारे में बताना है, कौन कौन सी हैं वो। हमारी मेन डायरेक्शन है, सबसे पहले हम डायरेक्शंस लिखेंगे, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, फोर्थ साउथ दक्षिण। ये हमारी चार मेन डायरेक्शन हो गई। अब हम आते हैं सब डायरेक्शंस में। जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच आती है उसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट के बीच आएगी तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट के बीच जो डायरेक्शन आएगी उसको साउथ वेस्ट बोला जाता है। और जो साउथ और ईस्ट के बीच आती है उसको बोला जाता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने समझा कि हमारी चार मेन डायरेक्शंस होती हैं और चार सब डायरेक्शंस होती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ए ग्लोब। हमारे जो ग्लोब है उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या उसकी लिमिटेशंस हैं,
इसके बारे में जब हमारी क्लास ऑफलाइन चलेगी, जब आप सभी लोग स्कूल में आएंगे, इस क्वेश्चन के बारे में हम तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स फाउंड इन एटलस। कौन कौन से अलग अलग प्रकार के मैप्स पाए जाते हैं एटलस। एटलस क्या है? एटलस है आपकी मैप ऑफ बुक्स। उसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, तो किस किस तरह के मैप्स होते हैं वहाँ पे, ये बताना है हमें। इट कंटेन्स ए लार्ज वैरायटी ऑफ मैप्स सच एज, जो हमारी एटलस की बुक है उसमें लार्ज नंबर की वैरायटी होती है मैप्स की। जिस तरह की पहली है उसमें फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आपको दिखाया जाता है, उसमें हम शो करते हैं बॉर्डर ऑफ डिफरेंट कंट्री। फिजिकल मैप में शो करते हैं हम माउंटेन्स एंड रिवर्स। जो फिजिकल है, फिजिकल मैप है, उसमें हम माउंटेन्स किस एरिया में पाई जाती है, रिवर्स वगैरह किस एरिया में पाए जाते हैं वो शो करते हैं। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में हम शो करते हैं डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, अलग अलग देशों और राज्यों की बाउंड्री सीमाएं शो करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हम पॉलिटिकल मैप। थर्ड, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में हम शो करते हैं डिटेल्स नेटवर्क ऑफ रोड्स, जो हमारा सड़कों का नेटवर्क है उसको एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है, वो चीज़ें शो करते हैं हम थीमेटिक मैप में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मैप। क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या लिमिटेशन है मैप की, ये क्वेश्चन भी बच्चों हम जब आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी, स्कूल में आएंगे आप, ये क्वेश्चन भी हम तभी डिस्कस करेंगे पूरी क्लास के साथ। ये दोनों क्वेश्चन हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।